आदि हैदराबाद से उतर देखिए हैदराबाद का नाम बदल देते, अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। और आपको हैदराबाद की आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूँ, ये इलेक्शन यकीनन कई उसूल और कई इश्यूज पर होगा। अगर आप ये इलेक्शन मुकाबला होगा हैदराबाद और भाग्य नगर का नाम रखने वालों से, अगर आप हैदराबाद को हैदराबाद रखना चाहते हैं तो आप मंजलिस के निशान पतन पर मोहर लगाइए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हैदराबाद को ही कामयाब करेगा, अल्लाह हैदराबादियों को कामयाब करेगा। नाम बदल देंगे, हर जगह नाम बदल देंगे, अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। ये इनकी सोच है, वो चीफ मिनिस्टर आए यूपी से, बोल रहे मैं नाम बदल देता हूँ। अरे भाई साहब आप क्या ठेका लेके रखे? अच्छा इनसे पूछो ताजमहल कौन बनाया? वो नहीं नहीं मुगल बादशाह नहीं बना, वो और बनाए थे हमारे अपने बनाए थे, इसलिए उस वहां पे अरे हर चीज पे तक अब कुतुब मीनार बोल रहे वो भी नहीं है, क्या क्या अब कल बोलेंगे चार मीनार कोई और बनाया था। अरे चार मीनार को आ रहे कल आए तो देखो कितना खूबसूरत चार मीनार है, देखो कैसा उसके चारे चार मीनारे हैं, कितनी खूबसूरत इमारत है, इतना सुकून है वहां पे। मर नहीं कोई बोलता मैं किले पे अपना झंडा ले रहा, अरे झंडा क्या क्या ले रहेंगे जो किला हमारा है वो सियासी किला हमारा है, वहां पे तिरंगा लगा हुआ है, इससे बड़ा झंडा कौन सा है तुम्हारे पास? ना तुम्हारा झंडा लगेगा ना तुम्हारा डंडा चलेगा, यहाँ पर मंजलिस थी और रहेगी इंशाअल्लाह होगा। 6.5 साल में कोई कर्फ्यू तो छोड़ो टेंशन नहीं हुआ, तमाम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और बीजेपी हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है, मैं पुलिस से कह रहा हूं आप कैसा बुक कर रहे हैं, इनके पीछे क्या है मालूम करो आप। शहर के अमन को हमको आपको बचा के रखना है और हम अपने शहर के अमन को मजबूत रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां से पहले से ज्यादा तादाद में मजलिस के अराजी ने बंदिया कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि बीजेपी के नफरत के पैगाम को रिजेक्ट करिए, मुस्तरद करिए, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, हैदराबाद के लिए क्या किए कुछ नहीं बता सकते सिवाय इसके के गाली देना उन्हें उतरते इन्हें उतरते शुरू करते गुफ्तगू असदुद्दीन ओवैसी से और खत्म करते अपने भाईजान और दूल्हे भाई असद।